हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट केमिस्ट्री, हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री। आपको केमिस्ट्री किस तरह से स्टार्ट करनी है, आपको केमिस्ट्री किस तरह से स्टडी करनी है कि आपको केमिस्ट्री कभी बोरिंग ना लगे, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। देखो बेटा जी, एक सच्चाई मैं बताऊं आपको, केमिस्ट्री मोस्ट इजी सब्जेक्ट है अगर मैं बात करता हूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। सबसे इजी, आप किसी से भी बात करोगे, किसी से भी बात करोगे, जितने भी आपके टॉपर से रहते हैं वो सभी यही बोलते हैं कि केमिस्ट्री में मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। बट फिर भी बहुत ज्यादा बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर मुझे तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, मुझे तो केमिस्ट्री पल्ले ही नहीं पड़ती, सर मुझे तो केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है। या फिर जब बच्चे प्लस टू में चले जाते हैं तो वो बोलते हैं कि सर इलेवेंथ के ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने ही चाहिए जिससे हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाए। तो बेटा जी, इस वीडियो में मैं उन्हीं टॉपिक्स की बात करने वाला हूं, इवन मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक चीज गारंटेड बोल सकता हूं कि केमिस्ट्री आपको आसान लगने लगेगी अगर आप ध्यान से समझते हो, अगर आप नोट्स बनाते हो। पूरी केमिस्ट्री में जितने भी आपके सबसे ज्यादा यूज होने वाले टर्म्स है ना, जो टर्म्स आपको आने ही चाहिए, उन टर्म्स का इस वीडियो में जिक्र किया गया है और एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। पॉसिबल है ये वीडियो 30 मिनट्स की बन जाए, 40 मिनट्स की बन जाए या ज्यादा की बन जाए, बट ये 30-40 मिनट्स आपके बिल्कुल बेस्ट मिनट होंगे जो आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो केमिस्ट्री के लिए। ठीक है बेटा जी, अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को केमिस्ट्री पे होल्ड डालना है ना, तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए। सबसे पहला टॉपिक, आप केमिस्ट्री स्टार्ट करो तो आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कितना होता है, किस एलिमेंट का कितना एटॉमिक नंबर है। फिर आगे बात करें एटॉमिक मास, आगे बढ़ते हैं तो भैया पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल सबसे जरूरी। केमिस्ट्री कोई मिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है अगर बस बेसिक ओके होने चाहिए। अब देखो, अगर बेसिक ओके नहीं है तो आपको हिंदी इंग्लिश भी मुश्किल लगने लगेगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के लिए पहले वो आ आ ए बी सी डी पढ़नी पड़ती है ना, तो केमिस्ट्री के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगली बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप किसी भी क्लास में, आप इलेवेंथ में हो, ट्वेल्थ में हो, ट्वेल्थ पास आउट हो, कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, भैया इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 101% देखने को मिलेंगे हर एक क्लास में। इस वीडियो के बाद भी मैं बोल रहा हूं बहुत ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन करने लगोगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर अच्छे से आना चाहिए आपको, एटॉमिक मास, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन नंबर, और अगर आप चाह रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको आना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर। सबसे देखो, ये ऐसे टॉपिक हैं जो मस्ट हैं, जो आपको सबसे पहले आने चाहिए, जिनको आपने सबसे अच्छे से देखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर कैसे आप लोग याद करोगे, आई होप आप सबने पढ़ रखा है एटॉमिक नंबर इस तरह से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आपने इस तरह से याद कर रखा होगा। बाकी मैं आपको पीरियोडिक टेबल याद करवा देता हूं, आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर बेटा जी याद होना चाहिए। और पीरियोडिक टेबल में मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या याद होना चाहिए, एक एक टॉपिक ना बिल्कुल मस्त तरीके से करवाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा पीरियोडिक टेबल, आप सबने देखा होगा, चाहे आप इलेवेंथ की बुक खोल के देखो, चाहे आप ट्वेल्थ की बुक खोल के देखो, आप सबने पीरियोडिक टेबल के दर्शन तो किए ही होंगे, है ना। पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल बेटा जी कुछ इस तरह से होती है, आपने देखी हो, कुछ इस तरह से अरेंजमेंट की गई होती है पीरियोडिक टेबल में, है ना, आपने नोटिस भी की होगी इस तरह से। ये जो ऐसे होते हैं ना, ये होते हैं ग्रुप्स, इन्हें बोला जाता है ग्रुप, और टोटल 18 ग्रुप होते हैं। और ये जो ऐसे होते हैं ना, ये होते हैं पीरियड्स, और टोटल 7 पीरियड होते हैं। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, और इन ब्लॉक से ही इनकी प्रॉपर्टीज का पता चलता है। अगर मैं कहूं कोई एस ब्लॉक का एलिमेंट है, आपको बताऊंगा मैं किस तरह पता लगता है, मैक्सिमम एस वाले बहुत शरीफ होते हैं, बहुत शरीफ, इनकी प्रॉपर्टीज भी शरीफों वाली होती है। अगर मैं कोई एलिमेंट बोलूं पी ब्लॉक का है, तो इट मीन्स वो बहुत पकाऊ होगा, पी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत पकाऊ होते हैं, इनका कोई दीनमान नहीं होता। अगर कोई एलिमेंट डी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक होते हैं दबंग, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ले सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। एक होता है एफ ब्लॉक,
एप ब्लॉक मीन्स फेमस पर्सनैलिटी। अब जैसे फेमस पर्सनैलिटी होती है बहुत कम दिखती है ना, इसी तरह से ये भी बहुत कम मिलते हैं, मैनमेड है ज्यादातर ये। चलिए तो पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप लगे हुए हैं, इस तरह से हम लोग ग्रुप करेंगे। ग्रुप वन, ग्रुप वन को याद करने का तरीका होता है ली ना करे रब से फरियाद। हेलीना करे रब से फरियाद, या हे लेटा ना कर रोबिन से फ्रेंडशिप, कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं बात करूं ग्रुप टू की, ग्रुप टू को याद करने का तरीका होता है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस तरह से आप ग्रुप टू को याद कर सकते हो। अब ग्रुप टू के बाद आपने सीधा जाना है ग्रुप थर्टीन पे। ग्रुप थर्टीन पे जाना है बेटा जी आपने। ग्रुप थर्टीन को याद करने की ट्रिक क्या रहती है, बाबा अली गया इंडिया से थाईलैंड, या बैंगन बैंगन आलू गाजर इन थैली। उसके बाद ग्रुप 14 को कैसे याद करोगे, चांद सी जिन्नी सोनी पंजाबन। इसी तरह से ग्रुप 15 होता है, और ग्रुप 15 को कैसे याद करोगे, नच पंजाबन असी सब बेताब। ग्रुप 16 को कैसे याद करोगे, उससे टेपो उससे टेपो। ग्रुप 17 को कैसे याद रखोगे, फिर कल बारात आई ऑस्ट्रेलिया से, या फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप 18 को कैसे याद करोगे, हीना नीना और कटरीना जीती रहना। इस तरह से ये होती है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। ओके, नहीं दिख रही है सही से, लेके आते हैं उसको, यही डर था मुझे और वही हुआ। चलिए अभी सब कुछ दिख रहा है, दिख रहा होगा, ये है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में एक आपको 3D सीरीज याद करनी पड़ती है, वो 3D सीरीज होती है यहां कहीं से, ठीक है, वो होती है एक्चुअल में यहां यहां पे होती है वो इधर। इसको याद कैसे करोगे, ये जो 3D सीरीज है इसको ऐसे याद रखोगे, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, इसे बोलते हैं 3D सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। पीरियोडिक टेबल में बस सिर्फ आपको इतना याद करना, और आपको कुछ नहीं याद करना, हर एक को मैंने याद करने की ट्रिक बताई है। इसके बाहर कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, आप 11th में आप 12th में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें से ही सारा क्वेश्चन आएगा पीरियोडिक टेबल का जितना भी आएगा, ठीक है। ग्रुप 1 पढ़ना है, ग्रुप 2 पढ़ना है, उसके बाद ग्रुप 13, क्योंकि ये बीच में 10 का गैप आ गया, ठीक है, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक का गैप आ गया। ये जो एरिया होता है ये डी ब्लॉक को होता है, ठीक है, यहां पे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, इस तरह से आप लोग कर लोगे। क्लियर हुआ बेटा जी? अब बात ठीक है सर, आपने पीरियोडिक टेबल हमें बता दी, ये हम कर लेंगे। अब आप एटॉमिक नंबर बताओ। देखिए एटॉमिक नंबर या तो आप सिंपली कर सकते हो 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3, इसका होगा 4, इसका होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इससे बाहर कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर सिर्फ इतने तक याद रखो आप, हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो प्रैक्टिस आपको मांगती है केमिस्ट्री। अब अगर आपको किसी पूरे ग्रुप का एटॉमिक नंबर बताना है ना, इसके लिए आप याद रखिए मैजिक नंबर, इसके लिए आप लोगों ने याद रखना है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये मैजिक नंबर कब अप्लाई होता है, अगर किसी ग्रुप में 7 एलिमेंट हैं तब ये रूल अप्लाई होगा। मान के चलो किसी ग्रुप में 6 एलिमेंट्स हैं, तो एक नंबर साफ हो जाएगा 8, 8, 18, 18, 32।
मान के चलो किसी ग्रुप में 5 एलिमेंट है तो एक और नंबर साफ हो जाएगा, दैट इज 8, 18, 18, 32। अगर किसी ग्रुप में 4 एलिमेंट है तो एक और नंबर साफ हो जाएगा, 18, 18, 32। बस कितना आसान सा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, चलो आपको इसका एटॉमिक नंबर याद है, इसका पता है, बाकी सबका एटॉमिक नंबर आपको बताना, आप कैसे बता सकते हो। ये मैजिक नंबर है बेटा जी 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये कब अप्लाई होता है? अगर किसी ग्रुप में 7 एलिमेंट है। अगर किसी ग्रुप में 6 एलिमेंट है तो एक नंबर साफ हुआ। अगर किसी ग्रुप में 5 एलिमेंट है तो एक और नंबर साफ हुआ। अगर किसी ग्रुप में 4 एलिमेंट है तो एक और नंबर साफ हुआ। इस तरह से होता है, ठीक है। और इस ग्रुप में कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 7 के लिए पहले वाला होगा, यानी कि 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 + 8 कितना हो जाएगा? 11। 11 + 8 कितना हो जाएगा? 19। 19 + 18 कितना हो जाएगा? 37। + 18 कितना हो जाएगा? 55। 55 + 32 कितना हो जाएगा? 87। इस तरह से क्लियर होता है कि नहीं क्लियर होता है बेटा जी? इस तरह से आप किसी भी ग्रुप के लिए बता सकते हो। मैं जैसे किसी और ग्रुप की बात करता हूं, मान लो हम इसकी बात कर रहे थे। अच्छा, पहले वाला आपको याद होना चाहिए, पहले 10 आपको याद हो जाने चाहिए बेटा जी, तभी बेस्ट रहेगा। अब आप चेक करो कि इस ग्रुप में कितने एलिमेंट है। इस ग्रुप में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है। अब 5 के लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा सर? ये वाला अप्लाई होगा। आपको इस ग्रुप का एटॉमिक नंबर बताना है। क्या याद करने की ट्रिक थी? चांद से जिन्नी सोनी पंजाबन, है ना। अब 5 के लिए ये रूल है, यानी कि 6 में आप लोग 8 ऐड करोगे 14, प्लस 18 ऐड करोगे 14 + 18 = 32, प्लस 18 ऐड करोगे 50, प्लस 32 ऐड करोगे कितना हो जाएगा बेटा जी यहां से? 82। इस तरह से बताना जरा क्या मुश्किल है। मुश्किल है क्या? पीरियोडिक टेबल हो जाएगी, कर लिया है ना, करे जब से फिर एटॉमिक नंबर या तो इस तरह कर लो, इस तरह एक एक नंबर बढ़ता है। बट ग्रुप में देखो, अगर आप ऐसे मूव करोगे ना, इसे इस तरह से मूव करने को बोला जाता है। हम मूव करें पीरियड में, क्योंकि इस तरह से होते हैं पीरियड्स। कितने पीरियड्स हैं चेक करो। ये पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3 है, ये पीरियड नंबर 4 है, ये पीरियड नंबर 5 है, ये पीरियड नंबर 6 है और ये पीरियड नंबर 7 है। इस तरह से पीरियड्स होते हैं। और ग्रुप कितने तक आ रहा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 18 तक जा रहा है। क्लियर है? और अगर मैं बोलूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ताकतवर ग्रुप कौन सा है, दैट इज ग्रुप 18। सबसे ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि इसे किसी और की जरूरत भी नहीं है। इस ग्रुप को बोला जाता है नोबल गैस फैमिली, इनर्ट गैस फैमिली, मतलब ये रिएक्शन नहीं करते हैं। इन सभी को, सभी एलिमेंट्स को एग्जाम्पल दिया जाता है उस जैसा बनना है। सभी कोशिश करते हैं उस जैसा बनने की, देखेंगे किस तरह से बना जाता है। आई होप सबको पीरियोडिक टेबल क्लियर होगी। क्लियर है बेटे जी? ये है पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर हो गए होंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट 30 याद करने हैं, फर्स्ट 30 याद करने हैं अगर आप केमिस्ट्री पे अच्छा होल्ड डालना चाहते हो तो। सेकंड पॉइंट क्या करना है आपको? सेकंड पॉइंट पीरियोडिक टेबल हो गया, हमने पीरियोडिक टेबल कर ली, ओके डन। एटॉमिक नंबर डन। एटॉमिक मास करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे जरूरी है बेटा ये, सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं बताता हूं ट्रिक क्या है, ठीक है। मैं इसको रद्द कर दूं, कर देना चाहिए, है ना, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो हाँ। या एक दो ट्रेंड बताऊं क्या मैं आपको? चलो ट्रेंड थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी सिखाता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी सीखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, पहली बात ये समझो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। आपने इलेक्ट्रॉन्स को फील करना है अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और अबव प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? एनर्जी बताता है। अब एनर्जी की कंसेप्ट को हम नहीं डिस्कस करेंगे, मैं आपको सिंपल शॉर्टकट बताता हूं कैसे। देखो बेटा जी, 4 ब्लॉक होते हैं हमारे पास, एस पी डी एफ। अभी बता के आता हूं। एस में याद रखिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाया करते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जाया करते हैं, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जाया करते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाया करते हैं।
कैसे याद रखोगे, इनमें चार चार का गैप होता है, दो और चार छह, छह और चार दस, दस और चार चौदह इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपने किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है उसको समझिए। इसकी याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी, स्वामी, सबसे पहली बात स्वामी याद है ना, एक फिल्म धमाल फिल्म होती थी, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, मुत्तु स्वामी, रंगा स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, ऐसा कुछ था। तो सेम फंडा यहां पे, स्वामी, तो आप लोग लिखोगे स्वामी स्वामी। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, प्यारे स्वामी, आप लोग लिखोगे प्यारे स्वामी प्यारे स्वामी। इसके बाद आप लोग लिखोगे डैशिंग प्यारे स्वामी, डैशिंग प्यारे स्वामी, डैशिंग प्यारे स्वामी। फिर आप लोग लिखोगे फुल डैशिंग प्यारे स्वामी, फुल डैशिंग प्यारे स्वामी, फुल डैशिंग प्यारे स्वामी। कर दिया बेटा जी आपने, स्वामी स्वामी, प्यारे स्वामी प्यारे स्वामी, डैशिंग प्यारे स्वामी, डैशिंग प्यारे स्वामी, फुल डैशिंग प्यारे स्वामी, फुल डैशिंग प्यारे स्वामी। अब अच्छा मैं एक बात आ दूं, सबसे पहले एस आता है, फिर सेकंड नंबर पे पी आता है, थर्ड नंबर पे डी आता है, एंड फोर्थ नंबर पे एफ आता है। सबसे पहले एस, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। अब पहले आप लोग सारे एस वाले निकाल लो, वन एस, वन एस के बाद ये क्या हो जाएगा टू एस, के बाद ये क्या हो जाएगा थ्री एस, के बाद जहां पे भी एस है फोर एस, के बाद फाइव एस, के बाद सिक्स एस, के बाद 7s, के बाद 8s। इस तरह से आप लोगों ने s को लिख दिया। s के बाद p आया, p को p के पीछे पढ़ो, आप लोगों ने लिखा 2p, 2p के बाद 3p, के बाद 4p, के बाद 5p, के बाद 6p, के बाद 7p। फिर d की तरफ गए, 3d, 3d के बाद क्या आएगा 4d, के बाद 5d, के बाद 6d। उसके बाद कौन आया F, 4F, और 4F के बाद कौन आएगा 5F। क्लियर है कि नहीं है? इस तरह देखिए, सबसे पहले हमने 1S, 2P, 3D, 4F ऐसे लिख लिया, फिर हमने S के नंबर लगाए 1S, 2S, 3S, जितने भी S वाले थे, इस तरह से हमने। और ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में आप हमेशा इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे कि हमारे पास बोरोन है बेटा जी, बिल्कुल सिंपल होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। इसका मतलब है कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो हम लोग किस तरह से फिल करेंगे बोलो। ज्यादा पसीना आ गया क्या? बस तुम लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, अच्छे से समझ आ जाना चाहिए सबको। देखिए, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे बोलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा 1s में। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बेटा जी, 2। तो 1s में अपने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 2। 1s के बाद कौन आएगा, 1s के बाद आएगा बेटा जी 2s। s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बोलिए, s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2। 2s के बाद कौन आएगा, 1s हो गया 2s हो गया, 2s के बाद कौन आएगा 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, p में जा सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, बट हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 2 और 2 4 भर चुके हैं, तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा या नहीं बचा, आ रही है समझ में? सर दोबारा समझाओ, दोबारा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने किया सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर चेक कीजिए कितना है बेटा जी, 14 है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरोगे, ऑर्डर हमेशा कुछ ऐसा रहेगा, हमेशा यहां से स्टार्टिंग करोगे। सबसे पहले आया 1s, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, s है तो मैक्सिमम 2 जा सकते हैं। 1s के बाद जाएगा 2s, 2s आप लिख लो, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा जी 2, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए आपने। 2s के बाद कौन आएगा 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बताइए, p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 6। क्या हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है, क्योंकि टोटल हमारे पास अभी 14 इलेक्ट्रॉन थे, 14 में से 2 और 2 4 6 10 भर दिए हमने, 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी है। 2p के बाद कौन आएगा, 2p के बाद चेक करो, 2p के बाद कौन आएगा 3s, 3s अभी s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, s में जा सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 3s के बाद कौन आएगा, 3s के बाद आएगा 3p। अब बताओ p में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन बोलो, खुद से बोलो। इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल 14 थे, हम लोग पिछले वालों को भरते आए हैं। हम लोग, हमने s से पूछा भाई तू कितनी रोटी खा सकता है, s ने बोला मालिक मैं 2 रोटी खा सकता हूं, उसको 2 खिला दी। 1s के बाद 2s आया, s कितनी खा सकता है 2, 2s के बाद 2p आया 6 खिला दी, 3s आया 2 खिला दी, कितनी रोटी खिला चुके हैं 2, 2 4 6 10, 2 12 खिला चुके हैं।
12 और 3p आया, 3p कितनी खा सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन खा सकता है वो, p खा सकता है 6 इलेक्ट्रॉन, बट हमारे पास टोटल 14 थी, 14 इलेक्ट्रॉन थे, 14 में से 12 खिला चुके हैं, तो p के पास यहाँ पे कितने हुए, 3p2। क्लियर होता है कि नहीं होता है? बोलो, थोड़ा समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल समझो, जैसे नाइट्रोजन है हमारे पास, कोई भी रैंडमली मैं कोई भी चूज कर रहा हूं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास मान के चलिए 7 एटॉमिक नंबर होता है, मान के कहते होते ही 7 है, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा 1s, 1s से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 1s के बाद कौन आएगा, 2s आएगा, 2s में कितने जा सकते हैं बताओ, 2, देखो नाइट्रोजन ने 7 रोटियों से भंडारा स्टार्ट करा, 7 इलेक्ट्रॉन से भंडारा स्टार्ट करा, इसने s से पूछा बोल भाई तू कितने खा लेगा, मालिक मैं 2 खा सकता हूं, 1s के बाद बुलाएगा भाई 2s आया, 2s से पूछा तू कितने खा लेगा, मालिक मैं भी 2 खा सकता हूं, चल निकल यहां से, 2s के बाद कौन आएगा, 2p, 2p से पूछा भाई तू कितने खा लेगा, मालिक 6 खा सकता हूं मैं तो, अब मालिक खुद के पास देखेंगे कि 4 खिला चुका हूं, 7 थी कितनी बची, वो तो 6 खा सकता है बट मालिक के पास तो 3 बची ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, अभी आ रहा है समझ में? जैसे कि एक और एग्जांपल कर लें, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, कितना होता है, 11 होता है, ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो बोलिए 11 एटॉमिक नंबर, इसके बाद इसका मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले कौन आया इलेक्ट्रॉन लेने, 1s, 1s कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2, 1s के बाद कौन आएगा, 2s, 2s कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2, 2s के बाद कौन आएगा, 2p, पी कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पी कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है बेटा जी, पता है हमें पी कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 6, 2p के बाद कौन आएगा, 3s आएगा, हमेशा यही ऑर्डर रहेगा, 3s, अब s कितने ले सकता है इलेक्ट्रॉन, s ले सकता है 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने बचे, 2, 2, 4, 6, 10 जा चुके हैं, सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बहुत ज्यादा फायदे हैं, एक फायदा है भाई साहब, सबसे जरूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब आप चेक करो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है ना उस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, अब इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया है तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया है तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये हमारे पास एस ब्लॉक का एलिमेंट है, इस तरह से हम लोग ब्लॉक कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है? अब जैसे हमें, चलो ये तो सिंपल आ गया, हमारे पास चार्ज भी आ सकता है, चार्ज स्पीसीज के भी पूछा जा सकता है, ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बोल दूं, आप लोग आयरन की कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, आयरन का Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, इसका मतलब इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा बेटा जी, सबसे पहले आएगा 1s, 1s में 2, फिर 2s में 2, 2s के बाद कौन आएगा, 2p, 2p में कितने जाएंगे, p में कितने जाते हैं, 6, 2p के बाद 3s आएगा, 3s में 2, 3s के बाद कौन आएगा, 3p, 3p में 6, 3p के बाद कौन आएगा, 4s, 4s में 2, और 4s के बाद कौन आएगा, 3d, 3d में कितने आ गए, 6 आ गए, ठीक है, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, 6, 26, मुझे कैसे पता, प्रैक्टिस होगी, तुम्हें भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके पता लग जाएगा, अब आप चेक करो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अच्छा कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, अब केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन भी होंगे, एक्सेप्शन को याद रखिए, क्रेजी कुत्ता, कैसे याद रखोगे, क्रेजी कुत्ता, यानी कि क्रोमियम और कॉपर दो एक्सेप्शनल केस है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्पेशल होती है, क्या स्पेशल है सर वो भी बता दो, चलिए स्पेशल समझते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 24 है, अब सर क्या स्पेशल है इन दोनों में, हमें ये भी बता दीजिए आप लगे साथ, चलिए देखिए क्या स्पेशल है समझते हैं, अगर आप 24 के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या होनी चाहिए, जनरली 1s2, 1s के बाद आएगा 2s, 2, आई होप समझ चुके होंगे, 2p6, 2p के बाद 3s आएगा, चेक कर लो आप लोग, 3s के बाद 3p आएगा, 3p के बाद 4s आएगा, और उसके बाद आएगा 3d 4, ठीक है, और उसके बाद कॉपर की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9, ये होगी कॉन्फ़िगरेशन, अब ये एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, आप करते
जैसे सबके लिए करो वैसे है, देखो दो दो चार छह दस, दो बारह छह अठारह, दो बीस और चार चौबीस, है ना। टू प्लस टू फोर, प्लस सिक्स टेन, प्लस टू ट्वेल्व, प्लस सिक्स एटीन, प्लस टू ट्वेंटी एंड नाइन ट्वेंटी नाइन। अब इनमें स्पेशल क्या है? इनमें स्पेशल ये है बेटा जी, इनमें एस वन होता है। तो सर क्यों होता है? क्योंकि देखो ये जो पी हो गया, ये जो डी हो गया, ये जो एफ हो गया, ये दो केस में स्टेबल होते हैं। या तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होना पसंद करते हैं, या ये एग्जैक्टली फुली फिल्ड होना पसंद करते हैं। ज्यादातर इनकी कोशिश यही रहती है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, ये तब स्टेबल है। यानी डी कब स्टेबल होगा? या तो डी के पास पांच हो, हाफ फिल्ड ये है ना, और या फिर कब स्टेबल होगा? जब डी के पास टेन हो। तो पूरी कोशिश रहती है उसकी डी के पास फाइव करने की। तो यहां से एस से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, डी में फाइव आ गया। यहां पे भी एस से एक इलेक्ट्रॉन चला गया और डी में आ गया बेटा जी टेन। इस तरह से आप इन्हें कर सकते हो। इन दो स्पेशल केस को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ठीक है सर, ये समझ में आ गया है। चलिए, सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा अच्छा, एक बेटा जी बहुत जरूरी बात है। एक होता है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एटॉमिक रेडियस किसे बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। कोई आपके पास एक एटम है, अब एटम का न्यूक्लियस भी होगा और न्यूक्लियस के अराउंड में शेल होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। क्लियर है? एक बात याद रखना, जब भी मैं लेफ्ट राइट मूव करूंगा, लेफ्ट राइट जब भी हम मूव करेंगे, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा लेफ्ट राइट हमेशा, ठीक है। और जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। सर क्यों होगा? लगे आप ये भी बता दो, मैं बताता हूं आपको। जैसे आप एक केस सोचो, जैसे मैं ग्रुप वन की बात करता हूं। ग्रुप वन क्या है? है ली ना करे रब से फरियाद। अगर मैं आपको बोलूं इनका एटॉमिक नंबर लिखो, इसका एटॉमिक नंबर क्या आएगा? वन। इसका एटॉमिक नंबर थ्री, इसका एटॉमिक नंबर इलेवन, इसका एटॉमिक नंबर नाइनटीन, इसका एटॉमिक नंबर होगा थर्टी सेवन, इसका एटॉमिक नंबर होगा फिफ्टी फाइव, इसका एटॉमिक नंबर होगा एट्टी सेवन। करवाए गए मैंने। अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे बेटा जी, कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी होगी 1s1, इसकी होगी 2s1, इसकी होगी 3s1, इसकी होगी 4s1, इसकी होगी 5s1, इसकी होगी 6s1 और इसकी होगी 7s1। अब अगर आप इनका रेडियस बनाओगे तो आप चेक करो, एक शेल है तो इसके राउंड में एक शेल आएगी, ये टू इसका मतलब इसके राउंड में दो शेल आएंगी, थ्री इसका मतलब इसके राउंड में थ्री शेल आएंगी, फोर इसका मतलब इसके राउंड में फोर शेल आएंगी। इस तरह से आपके फाइव सिक्स, तो डाउन द ग्रुप जो होता है वो साइज बढ़ता जाता है। और जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो शेल सेम रहती है, शेल सेम रहती है बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरह से रेडियस बनता है, इस तरह से, इस तरह से रेडियस बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब हम प्रॉपर्टी करते हैं तो आपको एटॉमिक रेडियस का फंडा जरूर क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास दो तरह का होता है, एटॉमिक मास दो तरह का होता है। अच्छा मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ाऊं, अभी आज तक कभी क्लास ऐसे नहीं हुए जब मैंने एक वर्ड को डिस्कस ना किया हो केमिस्ट्री में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। याद रखना केमिस्ट्री में कभी भी ये वर्ड आ जाए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, समझ जाना बनाने वाले पदार्थ। और केमिस्ट्री में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम लोग किसे कहते हैं? एम को कहते हैं। एम का मतलब क्या होता है? A means atom, I means ion and M means molecule. Atom, ion, molecule. केमिस्ट्री में हर एक चीज इनसे मिलकर बनती है, एम से। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे कि वही बार बार सलमान खान है, कैटरीना कैफ है, दोनों अलग अलग हैं, they are atom. अगर उनकी शादी हो गई तो वो क्या बन जाएंगे? Molecule. अगर शादी के बाद ब्रेकअप हो गया तो वो क्या बन जाएंगे? आयंस। क्लियर है? और अगर प्रॉपर एग्जांपल की बात करूं,
जैसे हमारे पास है Na और Cl, दोनों अलग अलग हैं, दे आर एटम्स। अगर वो कंबाइंड हो जाते हैं बेटा जी, तो बोलिए तो वो क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल। और अगर वो कंबाइंड होकर डिसोसिएट हो गए तो वो क्या बन जाएंगे, आयंस। ये क्या बन गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आयंस होते हैं। क्लियर है? अब देखो एक होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन एटम। एटॉमिक मास जो होता है मास ऑफ वन एटम, एक एटम। अब एक एटम कितना बड़ा होता है, एक एटम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा होता है। और एक होता है मोलर एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मोल एटम्स, वन मोल एटम्स का मास। और एक मोल एटम्स का मास जब भी एक्सप्रेस किया जाएगा, इसको एक्सप्रेस किया जाएगा ग्राम्स में, ठीक है। और मास ऑफ वन एटम, एक एटम का जो मास एक्सप्रेस किया जाएगा वो किया जाता है यू में, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास लिखवा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ट्रिक याद रखनी पड़ेगी आपको, बकनो, क्या बकनो, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बोरोन का एटॉमिक मास 10, इनमें 2 का क्या होता है 10+2 12, +2 14, +2 16, बकनो। फिर उसके बाद एक ट्रिक याद रखोगे आप लोग, आलसी, आलसी नहीं फनी है, आलसी नहीं फनी है प्यारे शर्मा, प्यारे शर्मा और कालीचरण, और कालीचरण, काली चरण। क्लियर है? इस तरह से याद रखोगे। देखिए अभी क्या होगा, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो आलसी, आलसी मतलब ए एल एंड एस आई, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, नहीं एन ए एच ई, ठीक है, फनी एफ एन ई, ठीक है एच प्यारे शर्मा पी एस, और ए आर कालीचरण के एंड सी ए, ठीक है ना। अभी चेक कीजिए, ये एक जोड़ा है, आलसी का एक जोड़ा होता है, फनी का एक जोड़ा होता है, प्यारे शर्मा का एक जोड़ा होता है और कालीचरण का एक जोड़ा होता है। जोड़े से क्या फायदा होगा बेटा, जिनका एटॉमिक मास मिलता जुलता होता है, लाइक इसका एटॉमिक मास 27, इसका एटॉमिक मास 28, इसका एटॉमिक मास फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 19, नियोन का एटॉमिक मास होता है 20, ठीक है, प्यारे शर्मा ये होता है 31 और सल्फर का होता है 32, इसका होता है 39 और इसका होता है 40। इसके अलावा लगे हाथ इनका भी कर लो, आर्गन का 40 होता है, सोडियम का 23 होता है, हीलियम का 4 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। जनरल इनसे बनेगा, बट एक दो और इंपॉर्टेंट भी लिख लो, लाइक क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 35.5, मैग्नीशियम का होता है 24, के अलावा आयरन का होता है 56, के अलावा मैग्नीज का होता है 55, के अलावा जिंक का होता है 65, ये याद रख लेना। और इसके अलावा अगर इससे अगर कुछ भी आएगा वो आपको जनरली दिया होगा, और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके आप लोग इन सब को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि नोट्स बनाओ, और भाई ये बोल रहा है सर ने ये तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, क्लियर है, ये हो जाएगा। अब देखो ये एटम्स का मास है, अगर आपको एटम्स का मास पता है तो आप मॉलिक्यूल का मास भी निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको बोलता हूं मैंने आपको बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने, मैं बोलता हूं CH4 का मास निकालो। अब देखो जब भी जुड़ रखते हैं ना तो मॉलिक्यूल कहते हैं, CH4 का मास कैसे निकाल लोगे, कार्बन का कितना होता है चेक करो बेटा जी, कार्बन का है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और हाइड्रोजन कितने है 4, हाइड्रोजन का 1 होता है 4, हाइड्रोजन का 4 दैट इज 16, क्लियर है कि नहीं। मैं आपको बोलता हूं H2O का मास निकाल लो, कैसे निकाल लोगे, हाइड्रोजन का 1 होता है 2, हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का चेक करो तो जरा, ऑक्सीजन का कितना है 16, तो कितना आ गया 18। सेम ये फंडा है, अगर मैं यू लिख रहा हूं तो वो एक मॉलिक्यूल का मास है, और अगर ग्राम्स लिख रहा हूं तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास है। मैं आपको बोलता हूं NaOH का मास निकाल लो, ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो Na का मास निकाल लो बेटा जी, Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का
16 हाइड्रोजन का 1 दैट इज 40। मैं आपको बोलता हूं H2SO4 का मास निकालो, हाइड्रोजन का कितना 2, सल्फर का कितना 32 लिखा हो ना, देखो हाइड्रोजन 1 2 का 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16 टू 4 64 दैट इज 98। किसी का भी निकाल सकते हो आप, इस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल का मास आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है? अब बात करते हैं, हो गया सर एटॉमिक मास आ गया हमें समझ में, मॉलिक्यूल्स का मास निकालना समझ में आ गया, मोल कंसेप्ट का बताओ। मोल कंसेप्ट हमें बहुत हैंग करता है। देखो यार, मोल कंसेप्ट पे अपने आप में 8-10 घंटे की वीडियो बनाई जा सकती है, बट मैं आपको उतना मोल कंसेप्ट समझाऊंगा, वो भी ट्रिक से समझाऊंगा, जितना आपके लिए यूजफुल है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि उतना तो आना ही चाहिए। बाकी अगर तुम लोग बोलोगे तो मोल कंसेप्ट पे सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना, कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो फॉर्मूला रहेगा हमेशा वॉशिंग मशीन। क्या फॉर्मूला रहेगा? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग का मतलब यहां पे है वेट बाय मोलर मास, या फिर आप लोग लिख सकते हो मास बाय मोलर मास, मनमोहन, मास बाय मोलर मास, मनमोहन भी याद कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलता हूं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ H2O, आपको इसमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग यानी कि जो वेट इसका गिवन है दैट इज 90 गिवन है, टू द मोलर मास। अब H2O का मोलर मास चेक करो तो हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, 18 तो मोल्स आ गए, कितने आ गए 5 आ गए। क्लियर है कि नहीं? अब अगर मैं आपको बोलूं 400 ग्राम ऑफ NaOH में नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। कैसे निकाल लोगे बोलो, खुद से बताओ। वॉशिंग यानी वेट जो कि दिया हुआ 400, टू द मोलर मास। अभी NaOH का मोलर मास निकाल लो, NaOH का कितना आएगा 20, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 दैट इज 40, तो कितने आ गए यहां से 10। आगे बढ़ो, जैसे आपके पास आ गया कुछ भी आ गया, मैं बोल देता हूं 49 ग्राम H2SO4, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। कैसे निकाल लोगे नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग मशीन, वॉशिंग यानी वेट जो कि कितना दे रखा आपको 49, टू द मोलर मास। अभी H2SO4 का मोलर मास चेक कर लो, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 टू 4 64, तो कितना हो गया 98, 49 बाय 98 कितना आ गया 1/2 दैट इज 0.5 मोल्स आ गए। इसमें इस तरह से मोल्स निकाले जा सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको कभी कोई मास निकालने को बोल दे, W निकालने को बोल दे, तो क्या हो जाएगा ये N इंटू एम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। ये बन सकता है फॉर्मूला भैया, इसी से फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का एक ही फॉर्मूला होता है, वॉशिंग मशीन। अगर आपको W निकालना है तो ये N इंटू एम हो जाएगा ना, W निकालना है तो N इंटू एम हो जाएगा। मैं आपको बोलता हूं 2 मोल्स ऑफ वाटर का मास बताओ, 2 मोल्स ऑफ वाटर का मास, 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो कैसे देखोगे? N इंटू एम करके। अभी N चेक करो, N कितने दे रखे हैं 2, और मोलर मास चेक कर लो, H2O का मोलर मास कितना होता है बेटा जी 18, तो कितने आ गया 36 आ गया, नहीं आ गया। N इंटू एम करके आप लोग मास भी निकाल सकते हो। आपसे पार्टिकल निकालने पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक ये जो मोल वर्ड निकल के आया ना, मैं करता चलूंगा आपको, ये जो मोल वर्ड निकल के आया है, ये निकल के आया है एक एवोगाड्रो नंबर से। कभी भी आपसे पूछे कि 1 मोल का मतलब क्या है, तो समझ जाना एवोगाड्रो नंबर है, और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 × 10⁻²। कभी भी जैसे मैं आपको बोलता हूं 100, आपके माइंड में एक नंबर क्लैश होता है 100 यानी 100, मैं बोलता हूं एक दर्जन, एक नंबर दम से नंबर आएगा 12, तो याद रखना जब भी मैं कभी बोल रहा हूं मोल, मोल यानी इतने पार्टिकल, 6.022 × 10³ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स मतलब क्या होता है बोलो? पार्टिकल्स वर्ड जब भी आ जाए, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर, मोल कंसेप्ट हो जाएगा, जितना सिंपल आपने बताया है वो तो हो ही जाएगा। अब मैं केमिकल बॉन्डिंग की तरफ मूव करूं, ये हमने कर लिया है,
केमिकल बॉन्डिंग की तरफ मूव करूं उससे पहले मैं बढ़ना चाहूंगा एक टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और भी चैप्टर लाइक डी एंड एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, बहुत स्कोरिंग चैप्टर हैं जो कि, और उनमें ये टर्म बार बार आ रही है ऑक्सीडेशन नंबर। समझाता हूं आपको ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर को अगर आप डिफाइन करना चाहोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर को आप लोग डिफाइन किस तरह से करोगे, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन किस तरह से किया जाएगा। इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, इट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल व्हेन ऑल द अदर एटम्स आर मूव्ड फ्रॉम इट। मॉलिक्यूल समझते किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल हमने देखो एटम मतलब अलग अलग पार्टिकल, जुड़ गए तो मॉलिक्यूल, और जुड़ के अलग अलग हो गए तो उसे हम लोग बोलते हैं आयंस, ठीक है। अब जैसे आपके पास एक मॉलिक्यूल है, मान के चलो ए बी सी, आपने इनका ब्रेकअप करवा दिया, ए को अलग कर दिया, बी को अलग कर दिया, सी को अलग कर दिया, तो ए पे कुछ चार्ज आएगा बेटा जी। देखो मॉलिक्यूल जब भी टूटता है चार्ज आएगा, इस पे एक्स पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे वाई पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे जेड नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इनके ऊपर जो चार्ज आया ना, ये चार्ज ही क्या है, ये जो चार्ज आया है, दिस चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। इस चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलने वाले हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब एक बात याद रखना कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, बस ये याद रखो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको H2SO4 दिया है और H2SO4 में आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो कैसे निकाल लोगे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप? तो देखिए बेटा जी, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको X मानते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर, हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। ऑक्सीजन कितने हमारे पास, ऑक्सीजन 4 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, और इस इक्वल टू में इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं दे रखा तो 0 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 + x 4 - 2 - 8 = 0। एक्स ये 2 - 8 - 6 उधर जाके +6, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ गई। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलता हूं NH3 में N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन को एक्स मान लोगे, हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, इज इक्वल टू में चार्ज 0 चार्ज, तो एक्स प्लस का 3 उधर गया -3। मैं आपको बोलता हूं SO4 - 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की नहीं बोलता ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को, तो सल्फर को मैं क्या मान लूंगा बेटा जी, बोलिए एक्स मान लूंगा, ऑक्सीजन 4 है -2 इज इक्वल टू में पूरे पे चार्ज -2 एक्स, ये 4 - -2 उधर जाएगा, ये 4 - -2 - 8 उधर जाके +8 - 2 कितना हो गया 6 हो गया कि नहीं हो गया, इस तरह से। अगर मैं आपको बोलता हूं Cr2O7 2-, बड़ा फेमस एग्जांपल है Cr2O7 2-, Cr को क्या मान लोगे, X कितने Cr है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 7, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इज इक्वल टू में पूरे पे चार्ज, देखो ना Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, को X मान लोगे Cr 2 है, ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, इज इक्वल टू में पूरे पे चार्ज, कितना चार्ज दिया हुआ है -2 चार्ज दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2X और ये -14 इज इक्वल टू -2, ये 2X माइनस का 14 उधर जाके क्या होगा +14 - 2 = 12, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 6। आई होप यहां से आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सीख चुके होंगे या नहीं सीख चुके होंगे, सॉरी यार मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे रहा हूं नोट करने का, और पॉसिबल हो तो इस वीडियो को 2X में देख लेना सो दैट की फास्टली देख पाओ, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को मैं पढ़ूं उससे पहले एक छोटी सी टर्म हमें सीखनी पड़ेगी, लुईस स्ट्रक्चर को हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब समझिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूं तो क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट
एक्साइटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय डॉट और क्रॉस अराउंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट ठीक है। देखिए कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी मैंने अभी आपको, जैसे मैं आपको बोलता हूं हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करो, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s1, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का लुईस सिंबल क्या होगा, एच के पास आप लोग एक डॉट लगा दोगे, कहीं भी लगा सकते हो। जैसे मैं आपको बोलता हूं बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे 1s2 2s2 2p1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कैसे पता चलेगा बेटा जी, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आपको पता चलेंगे एस का सबसे बड़ा नंबर देख के, ये है, ये इसकी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। अब ये एस के साथ 2 लगा है तो ये चेक करो 2 किसी और के साथ लगा, इसके साथ 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझाता हूं, टेंशन मत लो। बोरोन के राउंड में क्या लगा सकते हो आप लोग, 3 डॉट लगा सकते हो, या फिर बोरोन के राउंड में क्या लगा सकते हो आप लोग, 3 क्रॉस भी तो लगा सकते हो, है कि नहीं। आगे बढ़ो, जैसे मैं आपको बोल देता हूं, जैसे मैंने आपको बोल दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कैसे करोगे, 1s2 2s2 2p4 सिखाइए कॉन्फ़िगरेशन आपको, 2 और 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपसे पूछूं इसकी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप चेक करोगे कि सबसे बड़ा एस का नंबर क्या है, वो 2 है। क्या वो 2 किसी और के साथ लगा है, बिल्कुल लगा है, वो पी के साथ भी लगा है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चेक करो, 2 और 4 6, तो ऑक्सीजन के अराउंड में आप लोग क्या कर सकते हो, 6 डॉट लगा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन के अराउंड में आप लोग 6 क्रॉस लगा सकते हो इस तरह से। तो ये है लुईस डॉट सिंबल। अब बात आती है बॉन्ड, बॉन्ड किसे कहते हैं, बॉन्ड को सिंपली आप लोग किस तरह से डिफाइन करोगे, इट इज द फोर्स विच होल्ड टू और मोर एटम्स टूगेदर। ये वो फोर्स है जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स को खुद के साथ जोड़ के रखती है, आपस में जोड़ के रखती है। बॉन्ड इज लाइक बंधन, कर्ण अर्जुन फिल्म देखी है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, इस तरह से यहां पे भी प्यार का बंधन है जो जोड़ के रखेगा। और एक रूल आप लोगों ने सुना होगा केमिस्ट्री में, अगर नहीं सुना है तो गलत बात है, सुनना चाहिए, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, मैक्सिमम एलिमेंट इसको फॉलो करते हैं कि उनकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए इसी रूल को फॉलो भी करते हैं। अब देखिए दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है बेटा जी आयनिक बॉन्ड, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे तो बहुत सारे बॉन्ड हैं, बट फेमस ये 2 बॉन्ड हैं, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बनने वाला है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनने वाला है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, जैसे कि हमारे पास है सोडियम और क्लोरीन है, NaCl पता होगा। अब आप लिख लीजिए Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1 ठीक है, और Cl के केस में चेक करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बेटा जब आप चेक करो क्या चेक करो आप, कि इसकी वैलेंस शेल क्या होगी, S का सबसे बड़ा नंबर 3 है तो इसकी वैलेंस शेल 3। अब इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे आप एक डॉट लगा सकते हो, इसका लुईस सिंबल ये है। अब क्लोरीन की वैलेंस शेल क्या होगी, S का सबसे बड़ा नंबर 3 और वो पी के साथ भी लगा है। क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए भैया जी, 7।
भैया जी स्माइल कर रहे हो ना, स्माइल करना ठीक है, बस याद रखना भारत सर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी मेहनत करेंगे ठीक है, मिलकर मेहनत करेंगे तब बस आने लगेगा ठीक है। बेटा जी देखो इसके पास दो और पांच सात इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास सात इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, आप बताओ ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, सबको क्या चाहिए आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब ये अपने घर से गया सात इलेक्ट्रॉन लेके, ये अपने घर से गया एक इलेक्ट्रॉन, मान लो इसके पास सात बंदे इसके पास एक बंदा है, कौन जीतेगा? अब ये रजनीकांत तो है नहीं कि घुमा घुमा के इनको मार दे, भैया लॉजिक यही है कि ये साथ जीत जाएंगे, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ठीक है ना। अब इसके लिए सात लेने आसान नहीं है, इसको एक देना आसान है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ट्रांसफर हो गया, जब किसने दे दिया तो ये बन गया एनए पॉजिटिव और सीएल पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया सीएल नेगेटिव। क्या इसको इलेक्ट्रॉन देने का फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 3s0। अब इसकी वैलेंस शेल ये बन गई, देखना क्या इसकी वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन नहीं हो गए, दो और छह आठ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा वो चेक करेगा कि यार फायदा किसका किस तरह से करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। लाइक हमारे पास है MgF2, Mg को लिखो बीच में, फ्लोरीन को लिखो साइडों में, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s2 2s2 2p 6 3s2। सिमिलरली आप फ्लोरीन की जब करोगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 1s2 2s2 2p5। अब आप चेक करो कि मैग्नीशियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम की वैलेंस शेल में है दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन लगा दो, वैलेंस शेल में होगा ना जो एस का सबसे बड़ा नंबर है वो यही है। अब फ्लोरीन को चेक करो इसकी वैलेंस शेल, एस का सबसे बड़ा नंबर ये कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ क्या ऑप्शन है, ये फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये छीन लेगा, इसको देना पड़ेगा भाई, इसके पास सात इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा ताकतवर है, इसको दे दिया और ये इसने इसको दे दिया, तो Mg ने क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जब इलेक्ट्रॉन देते हैं कटायन बनते हैं और इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे वन नेगेटिव और फ्लोरीन पे ऐसी वन नेगेटिव, इस तरह से आता है। सर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड समझो, मान लो मैंने लिख दिया Cl2, अब क्लोरीन की वैलेंस शेल में आपको बताया कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है, तो Cl की 7 लगाओ 1 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7। अब इस क्लोरीन के पास सात इलेक्ट्रॉन है, इस क्लोरीन के पास सात इलेक्ट्रॉन है, ये बताओ कौन ज्यादा ताकतवर है? जैसे यहां पे हमें पता लग रहा था इसके पास सात बंदे थे, इसके पास एक बंदा था तो वो ज्यादा ताकतवर था, बट यहां पे दोनों की ताकत सेम है। ये सात वाला बोलेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ये देगा, ये क्या बोलेगा मैं दे दूं, मेरे पास सात है तू दे दे, जब ये तू तो लाख पे बात आ जाती है ना तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो कुछ इस तरह से शेयरिंग करेगा। देखिए ये चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन होगी इसके पास, सात इसके हैं, एक दूर वाला इसने दिखाया अपने पास आठ हो गए, सिमिलरली इसके पास सात इसके पास दिख रहे हैं और ये एक दूर वाला दिखाया आठ हो गए, और जिन पे डबल सर्कल आ गया ना उन्हें बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ये इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको, O2 है, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन करो जरा 1s2 2s2 2p4 2 2 4 और 4 8। अब चेक करो यहां से वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, छह है ना, ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, ये ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल कब होगा जब आठ होगा, तो ये ऑक्सीजन इसको बोल ले मेरे को दो इलेक्ट्रॉन दे दे, ये देगा, कौन सा देगा, जब दोनों के पास छह कोई नहीं देगा तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा, भाई छह तेरे हैं दो मेरे को दिखा दे थोड़ी देर मैं स्टेबल हो जाऊंगा, वो स्टेबल हो गया। अब ये इसी तरह से ये भी स्टेबल हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे हैं, और जहां पे डबल सर्कल हो गया वो गए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हैं बेटा जी कोवलेंट बॉन्ड। और एक यहां पे होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला फंडा बड़ा होता है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, बट ये वीडियो से ना थोड़ी ज्यादा लेंथी हो जाएगी और मैं चाहता हूं उसको मैं थोड़ा डीप में समझाऊं, ठीक है, कल तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा इस टॉपिक को, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को इसको थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है, बाकी इतना बहुत है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, उसको देखेंगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर की तरफ, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल 11th और 12th में 9 चैप्टर हैं, और 9 चैप्टर को अगर अच्छे समझना है, और अभी बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर की। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर एक बड़ी क्लास हो सकती है, बनाई जा सकती है, बनाएंगे भी, अभी शॉर्टकट में मैं चाहता हूं बेसिक समझो।
नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लाइक मैंने बोल दिया आपको मिस्टर विराट कोहली, मैं आपको ये नाम बोल रहा हूं। देखिए एक्चुअल में उसका नाम तो विराट है, ये मिस्टर और कोहली, ये जो मिस्टर लगा ना इसे बोलते हैं प्रीफिक्स, एंड ये जो कोहली लगा है इसे बोलते हैं सफिक्स, एंड ये जो नाम है इसे बोलते हैं वर्ड रूट। तो याद रखिए हमेशा जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर होगा परफिक्स होगा, वर्ड रूट होगा, सफिक्स होगा। परफिक्स दो तरह की होती है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। सेकेंडरी परफिक्स हमें किसके बारे में बताती है, इट टेल्स अस अबाउट सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जो हमारी एक चेन के बाहर होते हैं। चेन के बाहर अगर कार्बन है तो उन्हें एल्काइल बोलते हैं, चेन के बाहर अगर हैलोजन है वो हैलोजन फ्लोरिन हो सकता है, क्लोरिन हो सकता है, ब्रोमिन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, उन्हें हैलो बोलेंगे, और अगर NO2 है तो उसे नाइट्रो बोलेंगे। क्लियर है। चेन के बाहर देखिए जो प्रीफिक्स होती है प्राइमरी प्रीफिक्स, इट टेल्स अस अबाउट चेन टाइप, कि चेन ओपन है या चेन क्लोज है। लाइक चेन कुछ इस तरह से होती तो ये ओपन चेन है, बट अगर चेन कुछ इस तरह से है या फिर चेन कुछ इस तरह से है, इट इज कॉल्ड क्लोज चेन। इसके नाम के स्टार्टिंग में लगता है साइक्लो। आगे बढ़ते हैं, आगे है वर्ड रूट। वर्ड रूट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कितने कार्बन एटम है। अगर एक कार्बन एटम है मिथ, दो कार्बन एटम है इथ, तीन कार्बन एटम है प्रो, चार कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, पांच कार्बन को बोलते हैं पेंट, छह कार्बन को बोलते हैं हेक्स, सेवन कार्बन को बोलते हैं हेप्ट, एट कार्बन को बोलते हैं ओक्ट, नाइन कार्बन को बोलते हैं नोन, एंड टेंथ कार्बन को बोलते हैं डेक। उसके बाद हम लोग चलते हैं सफिक्स पे। सफिक्स दो तरह की होती है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स टेल्स अस अबाउट बॉन्ड टाइप। बॉन्ड अगर सिंगल है तो एन बोल लेंगे, डबल है तो इन बोल लेंगे, ट्रिपल है तो आइन बोल लेंगे। एंड सेकेंडरी सफिक्स सबसे इम्पोर्टेंट, इट टेल्स अस अबाउट फंक्शनल ग्रुप। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप मैंने लिखे हैं। अगर कभी फंक्शन ग्रुप एल्कोहल है तो उसे OH से रिप्रेजेंट करेंगे और बोला क्या जाएगा ओल। अगर कभी अमाइन है उसे NH2 से रिप्रेजेंट करेंगे और बोला क्या जाएगा अमाइन। अगर कभी कार्बोक्सिलिक एसिड है तो CWH लगा होगा और उसे बोला क्या जाएगा ओइक एसिड। अगर कभी कीटोन है तो CO लिखा होगा और बोला क्या जाएगा ओन। अगर कभी एल्डिहाइड है CHO लिखा जाएगा और बोला क्या जाएगा अल। अगर कभी साइनाइड है तो CN लिखा जाएगा और बोला क्या जाएगा नाइट्राइड। इसके अलावा जब भी आप कभी नोमेनक्लेचर करोगे तो याद रखना पढ़ाई नहीं है आसान, ये शॉर्टकट याद रखना आप लोगों ने, पढ़ाई नहीं आसान, मेहनत करनी पड़ती है, आसान तो आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। PNA, PNA, P का मतलब होता है पेरेंट चेन, N का मतलब होता है नंबरिंग, A का मतलब होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये तीन बातें होती है, पेरेंट चेन, नंबरिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, जब भी आप कभी नाम करते हो, जैसे मैं आपको बोलता हूं आप इसका नाम करो बताओ, ये सिंपल है, तीन कार्बन है पेरेंट चेन हो गई, पेरेंट चेन उसके बाद नंबरिंग की, तीन कार्बन क्या बोलूंगा मैं प्रोप, और देखो तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। अगर मैं बोल देता ये है, मान के चलो ये है, मुझे इसका नाम करना, मान लो ये हो गया और ये कार्बन आ गया, सबसे पहले पेरेंट चेन, पेरेंट चेन जिसमें ज्यादा कार्बन हो, कोशिश करनी ज्यादा कार्बन लेके आने की। दूसरा काम नंबरिंग, नंबरिंग आप ऐसे करोगे कि आपको पास पड़े कोई चीज तो यहां से चलेंगे 1 2 3 4। अब ये चेन के बाहर एक कार्बन है, जब चेन के बाहर कार्बन होता है ना उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। एक कार्बन है उसे बोला जाएगा मिथाइल, तो इसका नाम होगा 2-methyl। चेन में कितने कार्बन है, चार, चार कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। मतलब इस तरह से ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर भी बेटा जी बहुत जरूरी है, ये आपने जरूरी बात रखनी है जब भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे। बाकी फुल डिप में मैं इसको भी एक वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ एक शॉर्ट बनाऊंगा, बहुत से देख लेना, सारा नोमेनक्लेचर क्लियर कर देंगे। तो बेटा ये थे वो टॉपिक जो आप जब केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे, चाहे 11th की चाहे 12th की, वो आपको आने ही चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, आपको मजा आया होगा कि हाँ अभी हमें पता चल गया केमिस्ट्री पे होल्ड कैसे डालना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत डेली आपके लिए काम की वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।